गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रक्षंदा और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्रिस्पी बैंगन फ्राई या फिर बैंगन के पकोड़े कैसे बनाए जाते हैं। कई जगह पे बारिश शुरू हो गई है और इस बारिश के मौसम में ये बैंगन फ्राई खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं, तो आप ये पकौड़े ज़रूर बनाएँ। हमारे इस वीडियो को देखने से पहले आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बैंगन को बैटर फ्राई करने वाले हैं, तो इसके लिए हम मसाला बना लेंगे। आप ले लें 2 कटी हुई हरी मिर्च, आधे से छोटा अदरक का टुकड़ा, 4 से 5 लहसुन की कलियां, आधा छोटा कप नारियल और करीबन 1 कप धनिया। अब हमें इसका एक मसाला बना लेना है, तो आप एक मिक्सर जार लेके सारे मसाले इसमें डाल दें। साथ ही में डाल दें 1/4 कप पानी और अब हम इसे पीस लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने इसे एकदम बारीक पीस लिया है। अब हम बैंगन को काट लेंगे। आप कोई भी बैंगन ले सकते हैं, चाहे वो सफ़ेद हो या फिर जामुनी रंग के हों। हमें इसके इस तरह से गोल गोल टुकड़े काट लेने हैं। आप देख सकते हैं कि मैं किस थिकनेस का काट रही हूँ। आप इसे ज़्यादा पतला या फिर ज़्यादा मोटा ना काटें। मैंने यहाँ पे बैंगन के सारे टुकड़े काट लिए हैं। अब आपको इस तरीके का एक बाउल ले लेना है और उसमें डाल देना है थोड़ा सा पानी, और इस पानी में आप डाल दें आपके बैंगन के टुकड़े, क्योंकि अगर बैंगन ज़्यादा देर बाहर रहता है तो वो काला पड़ जाता है। अब हमें इस बैंगन के बोल में डाल देना है 1/2 चम्मच नमक। आप बैंगन के ऊपर अच्छे से नमक को कोट कर लें और इसे इसी तरह से 5 या 10 मिनट के लिए भिगोने के लिए छोड़ दें। अब हम बैंगन को फ्राई करने वाले बैटर का मसाला बना लेंगे। तो जो हमने मसाला बनाया था उसमें आप डाल दें 1.5 से 2 चम्मच बेसन। साथ ही में डाल दें 1 चम्मच चावल का आटा। अब इसमें डाल दें 1/4 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच रेड चिली पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। अब हम बेसन और मसालों को अच्छे से मिला लेंगे। आप कोई भी गुठलियां ना रहने दें, इसे पूरी तरह से मिला लें। अब ये अच्छी तरह से मिल गया है। आप देख सकते हैं कि इस बैटर की थिकनेस कैसी है। अब हम बैंगन के टुकड़ों को इसमें कोट कर लेंगे। आपको बिल्कुल इस तरह से दोनों तरफ से इसके ऊपर अच्छे से बैटर लगा देना है। शैलो फ्राई करने के लिए आप एक पैन में थोड़ा सा तेल ले लें। अगर आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। और जब तेल पूरी तरह से गर्म हो जाएगा, हम इसमें बैटर लगाए हुए बैंगन फ्राई होने के लिए डाल देंगे। हमें बैंगन को एक तरफ से 2-3 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। और अब 2-3 मिनट के बाद हम बैंगन को पलट कर दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे। हमें इसे दूसरी तरफ से भी 2-3 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। और जब ये बैंगन दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाए, आप गैस बंद करके इन्हें बाहर निकाल लें। आप दूसरे बैंगन के टुकड़े भी इसी तरह से फ्राई कर लें। अब ये बैंगन के पकौड़े बनके तैयार हैं। आप इसे घर पे ज़रूर बनाएं। इस बारिश के ठंडे ठंडे मौसम में ये गर्मा गर्म पकौड़े सबको पसंद आएंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।